तुम्हें प्रधानमंत्री की रोहतक में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अंबाला में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने कुरुक्षेत्र और अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सांसदों विधायकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। अंबाला में आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसदों विधायकों के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के साथ साथ एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। बिल्कुल लोकसभा का बिगुल बज चुका है और जिसने ना समझाओ वो ना समझाओ हमारी पार्टी ने जरूर समझ लिया है और इस चुनौती को पूरी चुनौती को अवसर में कैसे परिणित करें हमारे कार्यकर्ता समझते हैं और मुख्य रूप से हम यही बात करने आज कार्यकर्ताओं के बीच में आए। हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन से जब बीजेपी के मंचों पर स्थानीय विधायकों मंत्रियों के नदारद होने और आपसी खींचतान पर सवाल किया गया तो उन्होंने बात को गोल करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संकल्पवान कार्यकर्ता है जो आगामी चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करेगा। ये इशू ही नहीं है, हम बहुत बड़े कॉज के लिए लगे हैं कार्यकर्ता। आज मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा तो ये जिला प्रदेश मंत्री विधायक सांसद ये इशू ही नहीं है हमारा, पार्टी का ना ये इशू है ना मैं इस पे बात करने वाला हूँ। हम बहुत बड़े संकल्प के लिए इस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं, हम संकल्पवान कार्यकर्ता हैं, रणनीति के साथ लड़ेंगे और बहुत धमाकेदार जीत करेंगे। इस मौके पर अनिल जैन ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर किसी बड़े नेता ने भी बीजेपी छोड़ी है तो वो पनपा नहीं है, इसलिए किसी के पार्टी छोड़ने पर पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पार्टी से इस पार्टी से जो गया, बहुत बड़े से बड़ा आदमी जो गया वो पनपा नहीं, इसलिए इस पार्टी कोई व्यक्ति के आधार पर पार्टी नहीं है, पार्टी विचारधारा के आधार पर पार्टी है, इसलिए जो जाएगा वो खोएगा। हरियाणा प्रभारी अनिल जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल जैन, खनन मंत्री नायब सैनी, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर, सांसद रतन लाल कटारिया के अलावा दोनों लोकसभा क्षेत्रों के सभी विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश तो दिया ही गया, लेकिन बैठक का असल मकसद पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाना था। कृष्ण बाली, टोटल न्यूज।